हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि स्पेसिफिक कंडीशंस में ग्रो होते हैं और इनको क्या कहा जाता है, उन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, कैल्शियम सेंसिटिव क्रॉप, ऐसे क्रॉप जो कि ज़्यादा कैल्शियम के प्रति सेंसिटिव है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम। जिप्सम लविंग प्लांट, ऐसे प्लांट जिप्सम ज़्यादा है वहाँ पर ग्रो होते हैं, या ऐसे प्लांट जिसको जिप्सम ज़्यादा पसंद है, वो ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, जिप्सो फाइट कहते हैं। ऐसे प्लांट जो कि लाइट की तरफ ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, या लाइट की तरफ जो लाइट के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हेलियो फाइट कहते हैं। नॉन वेस्कुलर थैलस प्लांट, नॉन वेस्कुलर मतलब ऐसे प्लांट जिनमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है, वैसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट कहते हैं। ऐसे प्लांट जो कि डेजर्ट कंडीशन में ग्रो होते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, जेरोफाइटिक प्लांट कहते हैं। ऐसे प्लांट जो कि एसिडिक कंडीशन के अंदर अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, एसिडोफिल्स कहते हैं। ऐसे प्लांट जो कि दूसरे प्लांट को अपना सहारा लेकर के ग्रो करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, एपीफाइट्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर हम लोग घरों में यूज करते हैं मनी प्लांट और अमरबेल, तो ये क्या है, एपीफाइट्स हैं। ऐसे प्लांट जो कि आइस में या बर्फ में ग्रो होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रायोफाइट्स, क्रायोफाइट। ऐसे प्लांट जो कि सैंडी सॉइल में ग्रो होते हैं अच्छे से, सैंडी सॉइल प्रिफर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सैमोफाइट। ऐसे प्लांट जो कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम, अर्थात जहां पर ज्यादा कैल्शियम है वहां पर अच्छे से ग्रो होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कैल्सीफाइट। तो पहले वाला देखो, कैल्सीफ्यूज और ये जो कैल्सीफाइट है, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। क्यों? क्योंकि कैल्सीफाइट के केस में क्या हुआ है कि ये सेंसिटिव है कैल्शियम के प्रति, लेकिन ये वाला क्या है, कैल्शियम के अधिक होने पर अच्छा ग्रो होते हैं। तो कैल्सीफाइट और कैल्सीफ्यूज एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ऐसे प्लांट जो कि सब सरफेस वाटर की उपस्थिति को दिखाते हैं, अर्थात भूमि के नीचे जो जल है उसकी उपस्थिति को दर्शाते हैं, ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, क्रेटोफाइट कहते हैं। ऐसे प्लांट जो कि रॉक के अंदर या चट्टानों के अंदर ग्रो होने की क्षमता रखता है, क्या रखता है, क्षमता रखता है, उसे क्या बोलते हैं, टेरोफाइट्स कहते हैं। ऐसे प्लांट जो कि गर्म और आर्द्र जलवायु में ग्रो होते हैं, उसे क्या कहते हैं, फेनेरोफाइट। ऐसे प्लांट जो कि गर्म आर्द्र जलवायु में ग्रो होना पसंद करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, या ग्रो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फेनेरोफाइट कहते हैं। ऐसे प्लांट जो कि कहाँ पर, गर्म और शुष्क जलवायु में ग्रो होते हैं, और उसके अलावा जो एडवर्स कंडीशन रहेगा वहां पर वो डॉर्मेंसी में रहते हैं। अर्थात ऐसे प्लांट को क्या चाहिए, गर्म और शुष्क जलवायु, तो इसको क्या बोलते हैं, थेरोफाइट। ये क्या है, गर्म और आर्द्र जलवायु में, और ये गर्म एवं शुष्क जलवायु में। गर्म एवं आर्द्र वाले को क्या बोलते हैं, फेनेरोफाइट, और इसको थेरोफाइट। ऐसे प्लांट जो कि बहुत ज्यादा ठंड वाली कंडीशन में या ठंडे क्लाइमेट में ग्रो होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में ग्रो होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, चेमीफाइट। तो एक चीज याद रखना, जो यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट के बारे में बात किया जा रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हम किसके बारे में बात करते हैं, आइस या स्नो, ठीक है। तो यहाँ पर बर्फ में उगने के बारे में बात कर रहे हैं, और ये ठंडे जलवायु के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको याद रखना। ऐसे प्लांट जो कि मृदा के सतह पर ग्रो होते हैं, ओके, ऐसे प्लांट जो कि मृदा के सॉरी चट्टान के सतह पर ग्रो होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लिथोफाइट कहते हैं। ऐसे प्लांट जो कि लैंड और वाटर दोनों जगह पर ग्रो होते हैं, कंट्रास्टिंग कंडीशन में ग्रो होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्फीफाइट कहते हैं। ऐसे प्लांट जो कि अल्कली सॉइल को प्रिफर करते हैं, बेसोफिल्स कहते हैं। ऐसे प्लांट जो कि सलाइन कंडीशन को प्रिफर करते हैं, हेलोफाइट कहलाते हैं। ऐसे प्लांट जो कि छायादार स्थान पर ग्रो होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सियोफाइट कहते हैं, सियोफाइट। ऐसे प्लांट जो कि रॉक के अंदर भी अपने रूट को पेनिट्रेट करने की क्षमता रखता है, अर्थात रॉक को भी अपने जड़ से बेधने की क्षमता रखता है, उसको क्या बोलते हैं, चेस्मेफाइट कहते हैं। हाई एसिडिक कंडीशन में ग्रो होने वाले प्लांट को क्या कहते हैं, ऑक्सिलोफाइट। सीड उत्पन्न करने वाले वेसिकुलर प्लांट को हम कहते हैं स्पर्मेटोफाइट। और ऐसे प्लांट जो कि सीड उत्पन्न नहीं करते हैं किंतु उसमें वेस्कुलर सिस्टम अर्थात जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, टेरिडोफाइट। तो यहाँ पर नोट कर लेना,
नॉन सीडेड वेस्कुलर प्लांट को हम क्या कहते हैं? टेरिडोफाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।